नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, विज्ञान की। वह हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं, कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी विज्ञान की। तो देखिए, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ एनसीईआरटी बुक रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की, सभी की जानकारी उस प्लेलिस्ट में दी गई है। तो यह आप लोग देख सकते हैं, कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आप लोग मूल्य देख सकते हैं, इसका जो मूल्य है वह 150 रुपया है। मार्केट में हो सकता है कि यह प्रिंट रेट पर ही मिल जाए, प्रिंट रेट पर मिले, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले, लेकिन कुछ दिन बाद मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक देने का प्रयास करूँगा जहाँ से आप लोग इसे ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे, और इसकी जो दर होगी वह मार्केट से कम भी होगी। तो यह कक्षा 9 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की। हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अध्याय हैं, वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विषय सूची के अंतर्गत क्या क्या है, तो यह देख लीजिए। अध्याय 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय 2 में क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अध्याय 3 में है परमाणु और अणु। अध्याय 4 में है परमाणु की संरचना। तो पूरी तरह से बहुत ही कहानी नुमा दिया रहता है, और एनसीईआरटी की बुक में चाहे विज्ञान भी हो तभी वह कहानी नुमा दिया रहेगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेगा। अध्याय 5 में देखिएगा जीवन की मौलिक इकाई। अध्याय 6 में है ऊतक। अध्याय 7 में है जीवों में विविधता। अध्याय 8 में है गति। अध्याय 9 में क्या है, बल तथा गति के नियम। यह सभी कुछ समावेश किया गया है। अध्याय 10 में क्या है, गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 11 में क्या है, कार्य तथा ऊर्जा। अध्याय 12 में है ध्वनि। अध्याय 13 में है हम बीमार क्यों होते हैं। अध्याय 14 में है प्राकृतिक संपदा। फिर अध्याय 15 में है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो कुल 15 अध्याय हैं और आप लोग देख सकते हैं, और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो इससे आपका बेस जो है वो बहुत ही मजबूत होगा, अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं तो। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी बुक रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट है। सभी कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सभी किताबों का बुक रिव्यू वहाँ पर दिया गया है, कि कौन कौन सी किताबें चलती हैं और कौन कौन सी किताबें कितनी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जुड़ जाइएगा। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर से जब जुड़ जाएंगे, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जब आएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं सभी का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आईएसपीसीएस पाठशाला के नाम से फेसबुक ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।